हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नमाज के नाम पर एक हाथ दो से पांच के नाम पे उठा के सीने से आवाज निकाल के मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोले या हुसैन, और सीने से आवाज निकाल के बोले या हुसैन। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे अल्लाह मुझे रहने को मदीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे अल्लाह मुझे रहने को मदीना दे दे। और जायस की सरजमीन पर कह दूं अपने सरकारों की मोहब्बतें लेते हुए के पलों को खोल, पलों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। पलों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। पलों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मैं मुशायरे से घर लौटा, बच्चा मेरा जो सिक्स क्लास में पढ़ रहा है वो किताबों को देख रहा था, तो उसने कहा कि अबू जान कुछ लेकर आए मुशायरे से। मैंने कहा कुछ लेकर तो नहीं आया हूँ, तुम बहुत तेजी से 15 फलों के नाम बता दो तो अभी कुछ ना कुछ मैं लेके आ जाऊंगा। तो उसने कहा बस इतना। मैंने कहा हाँ बस इतना, तेजी से 15 फलों के नाम बता दो। तो उसने कहा कि गिलो सेब, मैंने कहा एक। उसने कहा मौसम्बी, मैंने कहा दो। उसने कहा संतरा, मैंने कहा तीन। मैंने कहा और कहा एक दर्जन केला, एक दर्जन केला। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। सन सन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सन सन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। और दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। हजरत जहाँ सुहराब कादरी देवाली आवी तशरीफ फरमा है, वहीं एहसान शाकिल जियनपुरी तशरीफ फरमा है, वहीं सिराज अजहर बॉम्बे तशरीफ फरमा है, वहीं मुमताज टांडवी तशरीफ फरमा है, वहीं वसीम अख्तर नागपुरी तशरीफ फरमा है। ये शोरा इकराम अभी आपकी समाज तक अपने लहजे अपने फिक्र के साथ पहुंचेंगे। आइए उस खतीब का इस्तकबाल कर लिया जाए जिसकी खूबसूरत निकात आखरी बलबला अंगेज रूह परवर ईमान अफरोज तकरीर बनी जिंदगी के साथ सुनी जाती है। जब आप कुर्सी खिताबत पर होते हैं तो ऐसा खिताब होता है कि सुनने वाले कह दिया करते हैं कि जैसे कोई जौहरी उसने सादा अंगूठी में नगीना जल दिया हो, आपकी तकरीर को, आपकी बातों को, आपके जुमलों को अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो इंशा हमारी जिंदगी में बहार आ जाएगी। मेरी मुराद पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत गुले गुलजारे अशरफियत गाजी दौरा खतीबुल हिंद अल्लामा अलहाज अशा सैयद सलमान अशरफ अशरफी जीलानी दामद बरकातु आलिया सज्जादा रशीद खान कहे आलिया अशरफियत जाए शरीफ। ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ हाथों को बुलंद करें, नारे नारे रिसालत सैजादे मकसूद मिल्लत सैजादे गौसे आजम सैजादे मखदूम सिमना औलादे अली नारे तकबीर नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ایک مرتبہ اور ہدیۃ پیش کریں اللہ صلی اللہ علیہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ آؤ آواز بلند پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علماء کرام کا شورائے اسلام کا ایک نورانی قافلہ موجود ہے شہداء کرام کی یاد میں اور ان کی محبت میں آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اللہ رب العزت اہل بیت طہار کے فیوض و برکات سے آپ سب کو مالا مال فرمائے شورا کرام کا ایک نورانی قافلہ موجود ہے اور خطیب کون ہے علماء کرام خطبہ اسلام بھی تشریف لا چکے ہیں ہمارے مہمان علماء سے آپ ان کا خطاب سنیں گے میں چاہتا ہوں کہ نثر کے بجائے چند اشعار میں نظم میں پیش کر دوں اور یہی ہمارا خراج عقیدت ہو بارگاہ حسین میں بارگاہ شہداء کربلا تازہ کلام کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں اور یہی اسی پر اکتفا کروں گا اور اسی میں ساری بات ہے جو کچھ کہنا ہے تقریر میں وہ انہی اشعار میں میں کہہ دے رہا ہوں سماعت فرمائیں اے مولا علی تیرا اے مولا علی تیرا پر نور گھرانا ہے اے مولا علی تیرا اے مولا علی تیرا پر نور گھرانا ہے حسنین کی صورت حسنین کی صورت میں انمول خزانہ ہے حسنین کی صورت میں انمول خزانہ ہے اے مولا علی حسنین کی صورت میں حسنین کی صورت میں انمول خزانہ ہے حسنین کی صورت میں دیکھیے گا دوسرا مطلب دیکھیے گا سماعت کریے گا کیا بھوک نے سمجھا ہے
क्या प्यास ने जाना है, क्या भूख ने समझा, क्या भूख ने समझा है, क्या प्यास ने जाना है, जो साकी कौसर है, जो साकी कौसर है, हसनैन कनाना क्या भूख ने समझा है, क्या प्यास ने जाना है, जो साकी कौसर है, हसनैन का नाना है, है मौला अली तेरा। और जब हजरत हुसैन अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में हाजिर हुए तो सैयदा फातिमा जहरा ने कब्र से क्या कहा ये समाज फरमाए। जहरा की सदाई ए नूर नजर जाओ, जहरा की सदाई, जहरा की सदाई ए नूर नजर जाओ, सरकार दो आलम की, सरकार दो आलम की, उम्मत को बचाना है, सरकार दो आलम की, सरकार दो आलम की, जहरा की सदा सरकार दो आलम की, उम्मत को बचाना है, हसनैन की सूरत में अनमोल खजाना है, हसनैन की सूरत में। और कल बचपना क्या था और आज जिम्मेदारी क्या है? कल बचपने का जो खेल था आज वो जिम्मेदारी में मेल कैसा खा रहा है ये समाज फरमाए। कल जुल्फे पयंबर से, कल जुल्फे पयंबर से खेला था मोहब्बत से, कल जुल्फे पयंबर से, कल जुल्फे पयंबर से खेला था मोहब्बत से, अब सब्र रजा बन कर, अब सब्र रजा बन कर मैदान में आना है, अब सब्र रजा बन कर मैदान में आना है, ऐ मौला अली तेरा। और ये शेर देखिएगा तफसीर का इशारा है इसमें, और इमाम हुसैन का क्या मकाम है और उनकी जिंदगी का क्या सबूत है ये इस शेर में आपको दिखाई पड़ेगा कि वाकई अल्लाह की राह में जो कत्ल होते हैं वो गर्दन तो कटती है लेकिन उनका रिश्ते हयात नहीं कटता है। समाप्त फरमाए। तफसीर ले मयुक्तल, तफसीर ले मयुक्तल का नक्श जली बन कर, तफसीर ले मयुक्तल, तफसीर ले मयुक्तल का नक्श जली बन कर, कुरान की आयत को, कुरान की आयत को नेज़े पे सुनाना
کی آیت کو نیزے پہ سنانا قرآن کی آیت کو نیزے پہ سنانا ہے اے مولا علی تیرا. اور یہ شعر دیکھیے قربانیوں کا جو تسلسل ہے قربانی کے حساب سے آپ اس کو سماعت فرمائیں. دیکھیے گا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. قاسم کی جوانی سے بھیا کی نشانی سے قاسم کی جوانی سے بھیا کی نشانی سے قاسم کی جوانی سے بھیا کی نشانی سے دستور محبت کو دستور محبت کو کربل میں نبھانا دستور محبت کو دستور محبت کو کربل میں نبھانا ہے اے مولا علی تیرا پر نور گھرانا ہے حسنین کی صورت میں انمول خزانہ ہے حسنین کی صورت میں. اور یہ شعر دیکھیے گا حضرت علی اکبر کے بارے میں سماعت کریے گا. وہ عکس نبیت ہر وہ عکس نبیت ہر وہ پیارا علی اکبر وہ عکس نبیت ہر وہ عکس نبیت ہر وہ پیارا علی اکبر جنت کا مسافر ہے جنت کا مسافر ہے اب خون میں نہانا ہے جنت کا مسافر ہے اب خون میں نہانا ہے میں مولا علی تیرا کیا خوب گھرانا ہے حسنین کی صورت میں. اور ننھا علی اصغر پیارا علی اصغر چھ ماہ کا بچہ ظلم کی انتہا ہے جو چھ ماہ کے بچوں کو بھی نہ چھوڑے وہ کیسا ظالم ہوگا. سماعت کریں. یہ ننھا علی اصغر اللہ یہ ننھا علی اصغر اب تیر جفا کھا کر یہ ننھا علی اصغر اب تیر جفا کھا کر یہ ننھا علی اصغر یہ ننھا علی اصغر اب تیر جفا کھا کر آغوش حسینی میں آغوش حسینی میں مظلوم زمانہ ہے آغوش حسینی میں مظلوم زمانہ ہے اے مولا علی تیرا. اور حضرت زینب کی قربانی کا بھی اشارہ دیکھتے چلی جائیے. میں نے کہا جو پوری تقریر میں ہے وہ میں بیان کر دے رہا ہوں. سماعت فرمائیں. شبیر کے قدموں میں شبیر کے قدموں میں
जैनब की कमाई है शब्बीर के कदमों में। जब वो औनो मोहम्मद को लेके पहुंची तो बात फरमाए शब्बीर के कदमों में जैनब की कमाई है बाबा की वसीयत की, बाबा की वसीयत की तकमील कराना, बाबा की वसीयत की तकमील कराना शब्बीर के कदमों में जैनब की कमाई है शब्बीर के कदमों में, शब्बीर के कदमों में जैनब की कमाई है बाबा की वसीयत की, बाबा की तकमील कराना है मुरारी तेरा। और ये शेर समाज फरमाए हजरते आबिदे बीमार की बीमारी को समझ कर ये न समझो कि आबिदे बीमार कमजोर है, ये अली का पोता है हुसैन का बेटा है। समाज फरमाए संजीर न रोके संजीर न रोके आबिद की जुरात को सज्जाद की ठोकर में, सज्जाद की ठोकर में हर ताज शहाना शेर में मुलायजा था। समाज फरमाइए हर एक शब्बीर के कातिल पर, बहुत से लोग यजीद की हिमायत करते हैं मगर हम अहले इश्क और मोहब्बत और अहले हक का फतवा जो है वो यजीद के बारे में है। वो समाज फरमाइए शब्बीर के कातिल पर लानत का तसलसुल है, शब्बीर के कातिल पर, शब्बीर के कातिल पर लानत का तसलसुल है हर एक यजीदी का, हर एक यजीदी का दो जख्म ठिकाना है, हर एक यजीदी का, हर एक यजीदी का दो जख्म ठिकाना है ऐ मौले अली तेरा। और मैं क्या बयान करूं, कितना बयान करूं, न जबान में ताकत, न कलम में ताकत, न मेरे इल्म में इतनी वसात कि मैं शहदाए करबला का वस्फ बयान करूं, इमाम हुसैन की शान बयान करूं। इसलिए ये शान बयान करना ऐसा ही मुश्किल है जो मिसाल में मैंने बताई है, वो मिसाल सुनिए। समाज फरमाए औसाफे हुसैनी को, औसाफे हुसैनी को मिसाल देखिए, औसाफे हुसैनी को
दोहराना है यूं मुश्किल औसाफ हुसैनी को, औसाफ हुसैनी को दोहराना है यूं मुश्किल, जिस तरह समंदर को, जिस तरह समंदर को मुट्ठी में दबाना, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।